तो दोस्तों आपने फंबल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, इसमें पानी जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हमने पल्सेटर को खोल के रख दिया है और यहाँ से हम अगर जो ड्रेन भी कर दें पानी को, स्पिन करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है। चलिए वो भी हम करके आपको दिखाते हैं कि इसमें ड्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमने स्पिन पर डाल दिया है और ये वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पानी जो है बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है बाहर। पीछे की साइड भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अब इसका यहाँ पे हम इसको पहले पीछे का इसका ढक्कन जो है वो खोल देंगे और यहाँ पे देख लीजिए इसके साथ जब पूरा ज़ोर से मशीन घूम रहा है तब जाके थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बंद कर देते हैं और यहाँ पर देख लीजिए इतना सारा कपड़ा तो हमारे घर में भी नहीं होंगे जितना इसमें मशीन में है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े जो हैं वो अंदर पड़े हुए हैं, जैसे सभी प्रकार के कपड़े हैं इसमें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही कपड़े इसमें भरे हुए थे। तो यहाँ पे इतना देखिए इतना सारा कपड़ा जो है इसके अंदर आ गया था और इनको पता ही नहीं था कि हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है वो जा रहे हैं और हमारे कपड़े एक एक करके गायब हो रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता था, अंदर भी कपड़े हैं लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ का हमको क्या करना है। अगर जो आपका वॉशिंग मशीन का पानी नहीं निकल रहा है तो ये जो ड्रेन का असेंबली है यहाँ से चूड़ी वाला होता है, इसको खोलना पड़ता है। अगर जो ये हाथ से खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अन्यथा इसको पूरा मशीन का असेंबल जो है वो खोल कर इसको खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे लेकिन ये खुलने में असमर्थ है। तो यहाँ पर यहाँ से हाथ से तो नहीं खुल सकता और यहाँ पर स्पेस भी कम रहता है वर्लपूल का। तो चलिए इसको हम उल्टा करके खोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए यहाँ का जो है हमारा धीरे धीरे पानी जो है वो निकल रहा है, लेकिन बहुत ही अगर जो ड्रेन इसमें खींचा रहेगा तो और स्पिन कर रहा होगा तो इसका मतलब हमारे ड्रेन असेंबली में या कुछ सिक्के कॉइन्स वगैरह अटक गए होंगे या साड़ी के पिन फॉल वगैरह अटक गए होंगे या फिर इसके अंदर कपड़े भी होंगे जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर थे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए हम ऊपर से स्क्रू खोलेंगे। ये क्या, यहाँ तो नीचे से स्क्रू लगा हुआ है उल्टा, मतलब इसका कि इसको कोई खोला हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जनरली यहाँ से स्क्रू नहीं लगा होता है। चलिए इसको खोलते हैं, फिट करते वक्त बताएंगे यहाँ पे किस तरीके से स्क्रू इसमें लगा होता है। सबसे पहले यहाँ हम खोल दिए और हम यहाँ का जो है इसको ड्रेन असेंबली को ऊपर से ही निकाल देंगे। यहाँ पर देख लीजिए आराम से इसको स्प्रिंग जो है ऊपर करके निकाल देना है और यहाँ से इसको हमको खोलना है। बहुत बार लगा के खोलना पड़ता है और यहाँ पे हम कपड़े लगा के खोलेंगे ताकि हाथ हाथ में कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे देख लीजिए हमारा खुल चुका है ये और अब इसको हाथ से हम खोल देंगे। तो आप जैसे एक बार खोलेंगे याद रखिएगा यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये स्प्रिंग इसको बाहर फेंकता है, तो संभालिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से पकड़ बना के रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो पानी है उसको निकल चुका है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे कुछ तो अटका है, यहाँ पे देखिए कपड़ा, इसके अंदर कपड़ा अटका हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो अब हम इसको सीधा उसी तरीके से इसको पैक कर देंगे। यहाँ पे हम फिर से ड्रेन असेंबली को इसके अंदर लगा देंगे और यहाँ पे लगाना उसी तरीके से आपको टाइट करना है जिस तरीके से आपने खोला था, और आपको फुल टाइट करना है, नहीं तो इसमें वाटर लीकेज, पानी लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही मजबूती तरीके से इसको टाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको फिट करना है, फिट करते वक्त खास बात ध्यान आपको ये देना है कि इसके अंदर जो है ये लॉक जो है यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा। बिना ये लॉक लगाए हुए आपका ड्रेन जो है वो काम नहीं करेगा, और काम करेगा भी तो आपका जो है स्पिन नहीं होगा, जिसके कारण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे खास करके आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लॉक हमको अच्छी तरीके से फंसा लेना है और ये लॉक जो है फंसाने के बाद ही आपको फिट करना है। तो यहाँ पे हम चलिए फटाफट इसको स्क्रू को टाइट कर लेंगे। यहाँ से याद रखिएगा आपको होल जो है प्रॉपर मैच करके लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और सामने वाले ने आगे क्या गलती की थी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे दोनों स्क्रू हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको टाइट करके फिट करना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखना है। ये हमारा फिट हो गया है।
अब यहाँ पे ऊपर देखिए, पहले तो नीचे से स्क्रू टाइट हुआ था, वो रॉन्ग था, वो गलत था। यहाँ पे जब भी कोई भी असेंबली खोली जाती है तो उसके ऊपर से फिट की जाती है स्क्रू, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यही मैं आपको बताया था कि यहाँ से उसकी गलती हुई थी जिसके कारण मतलब नीचे से खोलना पड़ा। अब यहाँ पे हमने पूरा अच्छी तरीके से जो है वो फिट कर दिया। अब यहाँ पे मशीन को चालू करके हम चेक करेंगे कि हमारा मशीन ओके हो चुका है या नहीं हो चुका है, पानी डालकर भी चेक करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अभी मान लो कोई डाउट होगा आपका तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट इसको स्पिन करते हैं, जो कि ड्रेन भी उसी के साथ होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 7 नंबर पे लगाते हैं और ओके करते हैं दरवाज़ा बंद करके, और पीछे जाके देखते हैं कि ये हमारा ड्रेन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा मोटर जो है वो चालू होगा कुछ ही सेकंडों में। तो जैसे ही वो हमारा मोटर चालू होता है, यहाँ से पानी आना जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, फुल फोर्स से हमारा पानी जो है वो बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो है मशीन पूरी तरीके से ओके हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। और यहाँ पे देखिए, हमारा स्पिन भी जो है वो कंप्लीट तरीके से चालू हो चुका है। यहाँ पे हम आपको रोक के भी दिखाएंगे कि यहाँ का जो पानी है वो गया कि नहीं गया। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम रोक देते हैं, और इसके बाद हम ऊपर से पानी भी डाल के आपको दिखाएंगे कि इसके पानी हम डालते हैं तो क्या ये ड्रेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम अभी मशीन को चालू ही रखते हैं स्पिन मोड पर ही। तो यहाँ पर हम पानी को अंदर डालते हैं, यहाँ पे देखिए हमने पानी डाला है, और वापस हम स्पिन मोड पे ले जाएंगे। स्पिन मोड पे 7 नंबर पे ले जाना है, और उसके बाद देखना है हमारा ड्रेन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने इसके अंदर पानी भर दिया है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं भरा है। यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमने पानी को डाला है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ड्रेन मोटर खींचेगा और हमारा जो है पानी जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा मशीन पूरा अच्छी तरीके से ओके हो चुका है। दोस्त, आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो की मदद से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं अंत, क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो पूरा हो चुका है और हमारा मशीन भी जो है वो एकदम ओके हो चुका है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।